कल के दमदार एक्शन के बाद आज सुस्ती और हल्की कमजोरी के हैं संकेत। गैप से खुलने के बाद क्या किया जाए इस बाजार में? मौके खरीदारी के होंगे या फिर ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर करनी है पोजीशन हल्की? क्या करें आप, रहेगा सवाल, मिलेगा जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि ये जो थोड़ी सुस्ती आती हुई दिख रही है, इसमें आपको अपनी रणनीति किस तरह से बनानी है और कौन से लेवल्स पर रखनी है नजर। आइए शुरुआत करते हैं एक्शन की। सर, सबसे पहले तो आज के जो ट्रिगर्स हैं उनके बारे में बताएं। दीप, वो सब ट्रिगर बताऊं उसके पहले मैं अपनी रणनीति आपको पहले बता देता हूं। अगले करीबन आधे घंटे तक अगर कुछ भी ट्रिगर बताने में, खबर पढ़ने में, बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पहले से मैं आपको बोल देता हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी एक नज़र है ना वो मैच पे लगी हुई है। एक से टीवी सेट पे मेरा मैच चल रहा है, एक पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, दर्शकों से बातचीत कर रहा हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग सेमीफाइनल चल रहा है, 2-2 पर इंडिया और बेल्जियम दोनों बराबरी पर चल रहे। तो मतलब ये तो क्या है कि करना ही है हमें शो, इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो इतना बढ़िया मैच छोड़कर मतलब। और आई एम श्योर बहुत सारे हमारे दर्शक हमें ट्वीट करके बोल भी रहे कि हम आपका शो मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मैच देखने में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो बराबर है, मैच भी देखते रहें। और बाकी स्टॉक मार्केट का मैच तो दिन भर चलने वाला ही है बुल्स और बेयर्स के बीच में, लेकिन हम उम्मीद करें, फिंगर्स क्रॉस। वैसे अच्छा खेल रही है हमारी टीम, तो सेमीफाइनल जीतने के पूरे पूरे आसार हैं। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के करोड़ों देशवासियों की भावनाएं, शुभकामनाएं हमारी टीम के साथ हैं। गो इंडिया गो, वेरी नाइस। चलिए तो अब बता दूं मैं आपको आज के ट्रिगर्स। इंट्राडे में रिकॉर्ड बनाने के बाद डाउन में रही 100 अंकों की कमजोरी। हालांकि जब हम कल बंद हुए तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा, 150-200 पॉइंट ऊपर थे अमेरिकी फ्यूचर्स, लेकिन उसके मुकाबले में कमजोरी का माहौल। कच्चा तेल 3% फिसलकर $73 के आसपास आया, क्योंकि एक तो कोरोना के प्रतिबंध बढ़ने की आशंकाएं दिख रही, दूसरा थोड़ा उत्पादन भी बढ़ा है। दोनों चीजें नेगेटिव है कच्चे तेल के लिए, इसलिए दाम घटे हैं। नितिन गडकरी साहब आज ऑटो कंपनियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं, और निफ्टी की 3 कंपनियों के आज नतीजे आएंगे, और वायदा कारोबार की भी 3 कंपनियां। तो 6 स्टॉक्स ऐसे हैं यहां पर नतियों के लिहाज से वायदा कारोबार वाली कंपनियों का रहेगा एक्शन, और कैश मार्केट के नतियों की तो लंबी लिस्ट है ही। जी दीप, तो ये है आज के बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल सर, तो वहां पर तो हमारी नजर है, हॉकी मैच पर भी नजर बनी हुई है, बट एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डाल दे सर, क्योंकि कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब तो सब कुछ ठीक दिख रहा था। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर थे, यूरोप में 1% की तेजी थी, कच्चा तेल भी ऊपर था, पर फिर कल शाम को हमने देखा नए रिकॉर्ड्स यूएस में बने और उसके बाद सुस्ती आती हुई दिखी, थोड़ी गिरावट थी। कोरोना की बात चल रही है, डेटा की बात चल रही है, और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है सर, यूएस का जो विक्स है कल 6.5% ऊपर गया है, और पिछले एक महीने में देखें तो लगभग 20% ऊपर शिकागो विक्स यूएस में जाते हुए दिख रहा है। क्या समझना चाहिए सर इस एक्शन से? आमतौर पर दीप, विक्स का बढ़ना बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता, तेजी का संकेत माना जाता, लेकिन मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि अगर एक ट्रेंड है और उस ट्रेंड में आप बाजार को ट्रेड करते हुए देखते हैं, वो चाहे ट्रेंड तेजी का हो चाहे मंदी का हो, लेकिन उस ट्रेंड में अगर आप बाजार को ट्रेड करते हुए देखते हैं तो विक्स, बेसिकली विक्स है क्या, विक्स वो इंडेक्स है जो ये बताता है कि आने वाले समय में बाजार वोलेटाइल कितना रह सकता है, उसका एक अनुमान बताता है। तो जितना विक्स बढ़ता है उसका मतलब ये कि बाजार वोलेटाइल हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जितना विक्स ठंडा रहे इसका मतलब ये कि आप बाजार को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हुए नहीं देख रहे हैं। ये बेसिकली ये आपके लिए विक्स का एक इंडिकेशन होता है। और आमतौर पर ये मानते हैं कि अगर समझिए विक्स हमारा 12% के आसपास चल रहा है, 12 के लेवल के आसपास चल रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि हम निफ्टी में आने वाले समय में 12% ऊपर 12% नीचे साल भर में, इससे ज़्यादा कि अपसाइड डाउनसाइड रिस्क नहीं देख रहे हैं। एक ब्रॉडली लेमैन के लिहाज से आप ऐसा समझकर चल सकते हैं, ये एक अंदाजा लेकर चलें। और यही विक्स अगर 25% हो जाए तो आप ये मानकर चले कि निफ्टी 25% ऊपर या 25% नीचे साल भर में जा सकता है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। ये एक बेसिक समझने के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। अब अमेरिका में जो विक्स बढ़ रहा है इसका मतलब क्लियर कट है कि वहाँ पर दो तरह की ओपिनियन बनती हुई नजर आ रही है, और पहली ओपिनियन तो वही है जो खरीदारी की है, लगातार तेजी की है, और वो तेजी की ओपिनियन जब से कोरोना का वक्त आया और तब से बनी हुई, और मार्केट लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, तो वो ओपिनियन अपनी ओर बरकरार है। लेकिन विक्स का बढ़ना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि एक दूसरी तरह की ओपिनियन बनाने वाले लोगों की भी अब संख्या बढ़ रही है, जो कि ये समझते हैं कि बाजार इन लेवल के आसपास अब मजबूत होते दिख रहे हैं, मजबूत होने के बाद अब करेक्शन के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे में अगर करेक्शन आने की संभावना भी बनती है, वो करेक्शन किसी भी वजह से आए,
वो चाहे फेड के फैसलों की वजह से आए, अगर कोई फेड के बयानों की वजह से आए, या फिर वो करेक्शन आपके लिए आ सकता है कोरोना के फिर से आने वाले ये सारी दिक्कतों की वजह से। अब किस वजह से आएगा वो पता नहीं। सो ओवरऑल संकेत जो मिल रहे हैं वो ये है कि अमेरिकी बाजार भी थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ा सकते हैं अगर विक्स खाली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दीप, सिर्फ एक डेटा या सिर्फ एक आंकड़े के दम पर हम ये नहीं कह सकते कि यही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और सिर्फ एक ही इंडेक्स के दम पर, एक ही डेटा के दम पर बाजार ऊपर नीचे हो ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ, इससे एक मतलब जरूर निकाला जा सकता है और वो ये कि बाजार थोड़े उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। अब आइए हमारे विक्स पर। हमारा विक्स लगभग लो के आसपास चल रहा है, 11-12 के आसपास के लेवल के विक्स है, बहुत ही लो हैं। हमारे यहाँ भी विक्स बढ़ने के पूरे आसार बनेंगे थोड़े वक्त के बाद, और जब बनेंगे तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है हमारे यहाँ वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और मजबूत बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब यह है कि कमजोरी आने के आसार रहते हैं। तो ये एक स्टेटिस्टिकल थोड़ा एकेडमिक आंकड़ा है, देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। लेकिन फिलहाल अमेरिकी बाजारों में देखें तो थोड़ी सी सरप्राइजिंगली नेगेटिव क्लोजिंग दिखी। कल हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट ऊपर थे, ऐसा लग रहा था कि मजबूत सेशन रहेगा, लेकिन थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। लेकिन ऐसी कोई खास चिंता की बात है नहीं और डाउ फ्यूचर भी थोड़े बहुत हरे निशान में है, तो मेरे ख्याल से हल्के फुल्के संकेत, और इसलिए आज मैंने ग्लोबल संकेतों को न्यूट्रल ही रखा है, नेगेटिव नहीं किया है। जी दीप, बिल्कुल सर, तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है। थोड़ी मुनाफा वसूली कल अमेरिका में जरूर हुई थी और सेकंड हाफ में बिकवाली भी थी, बट देखते हैं आज कैसा एक्शन रहेगा। पर सर हमारे बाजारों की बात करें, कल अच्छी तेजी बनती हुई दिखी, बाजार का मूड माहौल भी अच्छा था, पर जैसे जैसे 15900 पर जब भी बाजार आता है कुछ ना कुछ नेगेटिव होते हुए दिखता ही है और वो रेंज क्रॉस नहीं हो पाती है। तो अभी भी रेंज के ऊपरी स्तरों पर फिर से थोड़ा रिस्क है गिरावट का मुनाफा वसूली का, या फिर थोड़ा सहारा बाजार को मिलते हुए दिख सकता है, आपकी क्या राय है इस समय? पॉसिबल है। और दीप, कल भी क्लोजिंग में हम यही बात कर रहे थे कि ये वो रेंज है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बजाय आप प्रॉफिट बुक करके जाएं, वापस आपको मौका मिल सकता है, मिलता है, आमतौर पर मिलता है। किसी न किसी एक दिन आपको जरूर ऐसा एक्शन दिखेगा कि आप रेंज के बाहर निकल रहे हैं, और वो एक दिन होगा। जब तक वैसा ना हो तब तक आपके लिए रेंज में ट्रेड करने के लिहाज से आपको कॉन्ट्रा कॉल लेना ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी। मुझे लगता है 50 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे दिख रहा है काफ़ी है। अगर 50 पॉइंट से ज़्यादा खुलता है, 75 पॉइंट, 100 पॉइंट अगर नीचे आता है एसजीएक्स निफ्टी, तो तुरंत खरीदारी के मौके होंगे। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत गिर जाने वाला है। प्रॉब्लम क्या है दीप, प्रॉब्लम एक ही है, जैसे आप रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ जाते हैं कोई ना कोई फैक्टर या कोई ना कोई ग्लोबल मार्केट का संकेत आपको ऐसा मिलेगा कि आप वहां से करेक्शन दे देते हैं। जैसे आप रेंज के निचले सिरे पर आते हैं लगता है कि अब तो गया मार्केट, और वहां से कोई ना कोई संकेत आपके पास एक ऐसा आता है कि आप मजबूती दिखा देते हैं। तो दोनों तरह के संकेत हैं, तो ट्रेडिंग रेंज को सिंपल एक ही फॉर्मूला रखना है, 15900 के नजदीक बेचना है, 16000 के ऊपर पार करके टिकेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि चलिए बाजारों ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप रेंज को ट्रेड करते रहें, हमेशा ऊपर के लेवल पर बेचकर वापस नीचे खड़े हो जाएं। सिंपल वैसा ही है, 15700 के नीचे खरीदारी का मन रखना है, और जब तक वो 15500 को ना तोड़े तब तक आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से तेजी करनी है। तो बेसिकली रेंज में रहने के अभी भी आसार दिख ही रहे हैं, और आज अगर समझिए यही अमेरिका के बाजार मजबूत बंद हो जाते हैं 150-200 पॉइंट और डाउ फ्यूचर्स ऊपर होता है तो हम रेंज के ऊपरी सिरे पर जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन उसमें कोई ऐसी खास डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा, जितना बड़ा और जितना जल्दी गैप मिले उतना जल्दी, उतना ज़्यादा, उतना बड़ा खरीदिए। तो कल जब गैप से ऊपर खुल रहा था 100 पॉइंट तो हमारी राय क्लियर कट थी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज गैप से खुल रहा है तो राय बहुत क्लियर कट है, खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो रेंज में है बाजार और रेंज को रिस्पेक्ट करेंगे तो दोनों तरफ के आपको मौके मिलेंगे, और रेंज रोज अनिल जी हमें बताते भी हैं। तो चलिए सर फिर आज की रेंज बताएं, आज के बड़े लेवल्स क्या हैं ये बताएं, और साथ ही ग्लोबल के अलावा अन्य संकेत क्या कह रहे हैं इसके बारे में भी बताएं। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल हमने रखे हैं, एफआईज की तरफ से संकेत नेगेटिव हैं और बाकी चारों संकेत पॉजिटिव साइड पर है। डीआईज पॉजिटिव है, एफएनओ पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल कर लेना चाहिए क्योंकि पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया है। एफएनओ कल के संकेत कल पॉजिटिव थे और उसका असर आपको दिखा भी, आज एफएनओ संकेत न्यूट्रल माने जाएंगे। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव, तो दो न्यूट्रल एक नेगेटिव और इसके अलावा तीन पॉजिटिव आपके लिए, यह है आज का सेटअप।
निफ्टी 15,800-15,835 ये 35 पॉइंट की रेंज जिनके लिए सपोर्ट का काम करेगी, और शुरुआत इस रेंज में कहीं कहीं अगर होती है तो यहाँ पर खरीदारी का पहला मौका बनता है। इसके नीचे 15,725-15,775 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और फिलहाल मैं 15,700 के नीचे निफ्टी को जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। ऊपरी स्तरों पर 15,890-15,925 ये 35 पॉइंट की रेंज रुकावट का काम करेगी, हल्की रुकावट है। इसे पार करके टिके तो 15,950-16,000 ये वो लेवल है जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की ऊपर की तरफ हो सकती है। बैंक निफ्टी 34,500-34,575 ये है वो आपके लिए सपोर्ट रेंज जहाँ पर बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इसके नीचे 34,350-34,450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है और शॉर्ट कवरिंग भी। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी 34,800 के आसपास आकर बार बार अटक रहा है, आज भी 34,800-34,950 ये 150 पॉइंट की रेंज हल्की रुकावट का लेवल है। वैसे तो लगता नहीं कि इसे पार करेंगे, 35,000 के ऊपर जाने की संभावनाएं कम दिखती जिस तरह की पोजीशंस बनी हुई है बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर भी अगर इसको पार करके टिके ऊपर तो 35,075-35,175 दीप वो रेंज है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिकवाली शॉर्ट करने के मौके सब कुछ आपको मिलेंगे और उसे छोड़ना नहीं है। तो दोनों तरफ के बड़े जोन मैंने आपको बता दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी दीप बिल्कुल सर, तो ये तो रहे बड़े जोन्स, बड़े लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? दिन की ट्रेडिंग रेंज के लिए आज से दीप अगर आप देखें तो 15,835-15,900 दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज है, 15,800-15,925 दिन की मीडियम रेंज है, और 15,750-15,950 ये बड़ी रेंज के तौर पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रखना है फोकस। बैंक निफ्टी 34,550-34,850 दिन की छोटी रेंज, 34,450-34,950 दिन की मीडियम रेंज, 34,350 से लेकर 35,075 ये आपके लिए है दिन की बड़ी रेंज बैंक निफ्टी पर। ये सारे लेवल, सारी रेंज आपके सामने। FIs के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, कोई खास बदलाव नहीं, 62% से 61% ठीक है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया, इसीलिए मैंने इसे पॉजिटिव से न्यूट्रल किया है वायदा कारोबार के आज के संकेतों को 1.09 से 1.25, लेकिन अभी भी बैलेंस है, ऐसा नहीं कि कोई ओवरबॉट है या ऐसी कोई समस्या है, बट थोड़ा सा बढ़कर आया है ठीक है। अब आइए इंडिया विक्स जो अनचेंज है 1281 पर, यहाँ पर भी कम्फर्ट है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपके लिए स्टॉप लॉसेस, डे ट्रेडर्स के लिए छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो आप 15,800 का रखिए, और किसी को बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए तो आपको 15,900 का रखना 15,700 का रखना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस 15,700 ही होना चाहिए। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल लॉन्ग साइड पर। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का स्टॉप लॉस जिसको बिल्कुल छोटा रखना है वो 34,575 का रखें, और क्लोजिंग बेसिस पे 34,400 का, और जिनको थोड़ा बड़ा रखना है उनके लिए 34,350 का स्टॉप लॉस निकल कर आता है बैंक निफ्टी पर। लेकिन मेरा ये मानना है छोटा स्टॉप लॉस 125 पॉइंट का रखना ठीक है, हो सकता है शुरुआती मिनटों में ही वो ट्रिगर हो जाए, लेकिन हो जाने डिसिप्लिन के तौर पर ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में रखना ठीक नहीं है। और 34,400 क्लोजिंग बेसिस पे आप ये जरूर रखें, ये 300 पॉइंट करीबन नीचे है वो ठीक है आपके लिए। अब आइए शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो निफ्टी के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस दो तरीके से रख सकते हैं, या तो 16,000 का रखें एकदम सेफ है, या फिर आप 15,925 का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही रख लें। क्लोजिंग स्टॉप लॉस 100% 15,925 है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये आपके लिए निफ्टी का स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पर। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस से 35,000, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 35,000 के ऊपर निकलता है तो फिर बैंक निफ्टी में से शॉर्ट पोजिशन में से निकल जाना चाहिए, ये आपके लिए लेवल से। जी दीप बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी भी 16,000 की थोड़ी रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए दिख रही है अपसाइड पर, जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही बैंक निफ्टी के लिए भी रखिए नजर 35,000 का लेवल। तो दो क्लियर इंपॉर्टेंट लेवल्स अपसाइड पर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अब नई पोजिशंस के लिए क्या करना है सर, स्पेशली अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा गैप डाउन या नीचे आज बाजार खुलते हुए दिखे तो? खरीदना चाहिए जितना नीचे जितना बढ़िया मौका मिले। मैं 15,775-15,835 इस रेंज का इस्तेमाल करूंगा खरीदारी करने के लिए, अगर इस रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और 50 पॉइंट नीचे यानी कि आप बंद हुए हैं दीप 15,000
885 यानी 15,835 के आसपास ही आप खुल सकते हैं और वहीं से खरीदारी का मौका। बेसिकली आपको कितना खरीदना है इस पर डिपेंड करता है। एक आध लोड खरीदना है तो 15,800 के आसपास की एंट्री अच्छी है, मल्टीपल लोड्स खरीदना है तो 15,835, 815, 800, 775 अलग अलग लेवल्स पे आप एंट्री पॉइंट अपने डिसाइड कर सकते हैं। और चूंकि काफी लंबे समय से हम रेंज में अटके हुए हैं तो हर 25 पॉइंट के आसपास, हर 15-20 पॉइंट के आसपास आपको सपोर्ट भी दिखेगा, रेजिस्टेंस भी दिखेगा। निफ्टी में तो लेवल्स बहुत नजदीक नजदीक है, तो इसलिए ये 50-60 पॉइंट की रेंज है, इसमें खरीदारी करनी है 15,775 से 15,835 की रेंज में। अब जैसे समझो आपका डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर हो गया, 125 पॉइंट ऊपर हो गया, तो फिर आपको 15,775 का इंतजार नहीं करना, फिर आप 15,835 से एंट्री कर सकते हैं। और फर्ज करें कि डाउ फ्यूचर धीमे धीमे करके फ्लैट हो गया तो फिर थोड़ा और नीचे आ जाओ, हम 15,800 पे खरीदेंगे। तो आपको ग्लोबल मूड माहौल को साथ में मिक्स करके एंट्री पॉइंट डिसाइड करना है, और नहीं तो फिर 9:08 पे जहां प्री मार्केट सेटल होंगे वहां पे हम बात कर ही लेंगे, बता देंगे कि खुलते ही अगर इन लेवल्स पर खुलता है तो क्या करना चाहिए। तो फिलहाल आपके लिए ये रेंज खरीदारी की है, स्टॉप लॉस क्लियर कट है 15,700 का, ऊपर 15,880, 900, 920 और 950 ये चार टारगेट हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। अब आइए बैंक निफ्टी, निफ्टी शॉर्ट साइड पर 15,890 से 15,950। कल भी हमने 15,875 से 15,950 की रेंज शॉर्ट साइड पर दी थी, वही रेंज आज भी है, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर की है। 16,000 आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा दीप, 15,860, 15,835, 815, 775 और 750 ये सारे टारगेट्स हैं जिसके लिए निफ्टी में आपको करनी चाहिए बिकवाली। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब लगे हाथ में आपको बैंक निफ्टी भी बता देता हूँ दीप, खरीदना है नीचे खुले आज तो 34,450, 34,600 की रेंज है ये, 150 पॉइंट की रेंज, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो एक आध लोड खरीदना है तो 34,500 के आसपास खरीदें, मल्टीपल लोड्स खरीदें तो आप उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करके चलें धीमे धीमे हर एक लेवल पर। स्टॉप लॉस क्लियर है 34,350 का, टारगेट बनेगा 34,700, 775, 900, 950 मीडियम टारगेट है, 35,000 से 35,075 बड़े टारगेट्स। ये सारे छह टारगेट है निफ्टी के लिए अगर आप करते हैं इस रेंज में खरीदारी। तो अब आइए बेचने की बात, दो तरीके हैं बेचने के, एक तो 35,000 का स्टॉप लॉस लगाकर बेच डालिए वैसे, और दूसरा तरीका यह है कि 34,875, 35,075 इस रेंज में बेचें। रोज मौका दे रहा है 34,800 के आसपास आने के बाद, ऊपर में एक आध बार मौका देता है आपको बेचने का। 34,875, 35,075 रेंज बिल्कुल कंफर्टेबल है जहां बेचना चाहिए 35,200 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे का जो टारगेट बनेगा दीप वो बनेगा 34,800, 700, 600, 550 और 450। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो सीधा 35,000 का स्टॉप लॉस रखें या 34,800 का स्टॉप लॉस रखें, बेच दें और नीचे में 34,350 तक के टारगेट्स निकल कर आते हैं, 34,350, 34,400, 450, 500, 550 ये सारे टारगेट होते हैं। तो अपनी पोजीशन के हिसाब से आप शॉर्ट्स जरूर कर सकते हैं। तो ये है राय दीप आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाने की। बिल्कुल सर, तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी आपके लिए आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, किस तरह से आपको बनानी है पोजीशंस। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, सन टीवी एकमात्र स्टॉक है जो वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में था और अभी भी बना हुआ है। अच्छा सर, थोड़ा डेटा समझाएं, जहां तक फंड्स का डेटा है, FIIs को आपने फिर से नेगेटिव रखा है, हालांकि सेलिंग कल थोड़ी कम होते हुए दिखी है बट सेलिंग अभी भी है सर। कल के डेटा इतने बुरे नहीं है जितने शुक्रवार के थे, लेकिन शुक्रवार के डेटा के साथ एक कंफर्ट ये था दीप कि इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन FIIs की गटगट कर काफी कम आ गई और कितना बेचेंगे वही कल भी हुआ है, 61% के आसपास इंडेक्स लॉन्ग है, ठीक है कंफर्टेबल है, तो बहुत बिकवाली होने की आशंका भी नहीं है। 1540 करोड़ का स्टॉक बेचा है उन्होंने कैश मार्केट में, सामने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स 900 करोड़ के खरीदे हैं, तो नेट रेट आप 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली वो ठीक है, इतनी तो ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। और क्यों नहीं है, क्योंकि सामने 1506 करोड़ की घरेलू फंड्स की अच्छी खरीदारी भी है, तो डेटा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं मुझे FIIs की तरफ से भी और घरेलू फंड्स की भी। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा की तरफ, यहां कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है दीप। पहली चीज, 15,800 तुरंत प्रभाव से आपके लिए आज सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से इसके नीचे हम जाएंगे नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, 15,800 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 58 लाख शेयरों का, 32 लाख शेयर कल ही जुड़े, तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेंगे। और जैसे आप 15,800 के नजदीक आएंगे तो 15,800 के कॉल राइटर्स भी है 40 लाख शेयर, ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग करेंगे और जो पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई हुई है वो और जोड़ेंगे। तो इसलिए 15,800 मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15,800 ही पहला आपका
इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट होना चाहिए आज के बाजार में। तो पहली चीज़ ये कि मैं शुरुआती कारोबार में 15,800 के नीचे नहीं देखा हूँ। अब आइए ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं, 15,900 के ऊपर भी तुरंत जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। वजह, 15,900 के कॉल्स पर 51,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। तो 15,800-15,900 आपके लिए एक तरह से ये रेंज बन के आ गई सामने सामने, जो वायदा कारोबार के लिहाज से दिख रही है। और प्रीमियम के एडजस्टमेंट, आप 25 पॉइंट की बैंक निफ्टी की प्रीमियम चल रही ब्रॉडली, कितनी है कल की बता दूं मैं आपको, 24 पॉइंट की। तो 15,775-15,925 अभी एफएनओ के डेटा के लिहाज से अगर मैं रेंज प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं दीप, तो पूरा दिन शायद निफ्टी 15,775-15,925 की रेंज, इस 150 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन खत्म कर सकता है, ये मुझे वायदा कारोबार के डेटा में नज़र आ रहा है। अब आ जाइए आप बैंक निफ्टी, छोटा सपोर्ट है 34,500 और बड़ी रुकावट है 35,000। 34,500 के पुट पर 12,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 34,500 के कॉल्स पे भी 11,00,000 शेयरों का ओपन है। कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में मंदी की पोजीशन जरूरत से ज़्यादा बनी हुई है, थोड़ा मामला ठीक नहीं। निफ्टी में तेजी की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है, ये इंटरेस्टिंग है। तो जो भी लोग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो लॉन्ग साइड पर ट्रेड निफ्टी में कर रहे हैं, शॉर्ट साइड पर ट्रेड बैंक निफ्टी में कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए 34,800 से 35,000, ये 200 पॉइंट की रेंज, मतलब माउंट एवरेस्ट जैसा हो गया है मामला, चढ़ाई ही जा रहा है। जैसे वहाँ पहुँचते हैं बिकवाली आ जाती है, और डेटा में भी यही दिख रहा है, तगड़ी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है 34,700, 34,800, 35,000। तो बैंक निफ्टी जब तक 35,000 के ऊपर निकल कर ट्रेड नहीं करेगा तब तक हमें मज़ा नहीं लगता उसमें। जी बिल्कुल सर, तो ये जो 35,000 और 16,000 के लेवल्स की रेजिस्टेंस बनी हुई है कुछ समय से, ये ब्रेक करना जरूरी है। और हम देखते हैं जब भी उस लेवल पर आते हैं थोड़ी मुनाफा वसूली गिरावट आती हुई दिखती है। चलिए देखते हैं फिर आज का सेटअप कैसा रहेगा और बाजार का एक्शन किस तरफ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर होने वाला है आज भी। आइए जुड़ते हैं हमारी रिसर्च टीम के साथ, वरुण, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं आज के कुछ ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट अर्निंग्स। गुड मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो कुछ कैश के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें अल्कलाई एमाइंस है, बजाज हेल्थ केयर है, IIFL वेल्थ मैनेजमेंट, पोशॉक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। वहीं CL एजुकेट शेयर विभाजन पे इस कंपनी का बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है, तो इस काउंटर पर आप नज़र रखिएगा। ऑटो काउंटर्स पर खास नज़र होनी चाहिए आपकी, क्योंकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ऑटो सेक्टर के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ से क्या आउटकम निकल के आता है। JK सीमेंट पर नज़र रखिएगा, 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया था, उसकी आज एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट आपको इस काउंटर पे देखने में मिलेगा। नतीजे PNB नंबर्स अनुमान से बेहतर नज़र आ रहे हैं, NII जो है 7,226 क्रोस पे आया है, 7,074 क्रोस का हमारा अनुमान था, मुनाफा 1,023 क्रोस पे आया है, हमारा अनुमान 646 क्रोस पे था। तो नतीजे अच्छे, प्रोविजनिंग घटी है, लेकिन ग्रॉस NPS बढ़े हैं, 14.12% से बढ़ के 14.3% के आसपास आए हैं। और मैनेजमेंट का कहना है कि कोविड पैंडेमिक के चलते जो सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत अनसर्टन है, तो ये एक दिक्कत की बात है। इसके अलावा RBL बैंक, यहाँ पे नंबर्स थोड़े कमज़ोर हैं, NII 7% बढ़ा है, 970 करोड़ के आसपास आया है, हमारा अनुमान इसके आसपास का ही था, लेकिन कंपनी ने नुकसान किया है 459 करोड़ का, प्रोविजनिंग बढ़ी है 514 करोड़ से बढ़ के 1450 करोड़ के आसपास आई है, तो ये दिक्कत की बात है जिसकी वजह से कंपनी ने नुकसान किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी गिरे हैं, 4.9% से गिर के 4.36%, ग्रॉस NPS बढ़ गए हैं 4.3% से बढ़ के 4.99%। हालांकि कंपनी का कहना है कि आगे चल के और एडिशनल प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन सेकेंड वेव का इम्पैक्ट जो है वो एसेट क्वालिटी पर अनुमान से थोड़ा ज़्यादा देखने मिला है। बिल्कुल, तो थोड़े एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स दोनों PNB और RBL के लिए, इसका इम्पैक्ट दोनों काउंटर्स पर देखना पड़ेगा, बट वैसे PNB के नतीजे थोड़े अनुमान से बेहतर ही रहे हैं। आइए देवांशी से भी जानते हैं कुछ और पोस्ट मार्केट नतीजे। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु, JMC प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको नजर रखनी है, जहाँ पे आप देखिए ओवरऑल जो क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन सालाना आधार पर नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। इनकी जो कुल आय है 133% तक बढ़ती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी बढ़त इस बार होती हुई दिखी है, मार्जिन 9% पर स्थिर हैं, और जो घाटा आता हुआ दिखा है वो 10 करोड़ है, जो कम हुआ है, पिछले साल 52 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया था। अजमेरा रियल्टी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, YOY बेसिस पर अगर आप आय देखें तो करीब 3.5 गुना बढ़ती हुई दिखी है, साथ ही
कामकाज मुनाफे में ढाई गुने की बढ़त होती हुई दिखे। मार्जिन 32% से कम होकर 25% पे आते हुए दिखे, लेकिन जो मुनाफा है वो 2 करोड़ से बड़ा है। 11 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा इस बार पोस्ट किया है। साथ ही इनकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी इस बार काफ़ी अच्छे से बढ़ती हुई दिखी है, तो इस पर आपको नज़र रखनी है। सीजी पावर कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखी है, घाटे से इनकी जो कुल आय है वो 190% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 120 करोड़ का आया है, पिछले साल कंपनी को लॉस होता हुआ दिखा था, और साथ ही जो मुनाफा है वो 54 करोड़ का कंपनी ने बुक किया है, और पिछले साल कंपनी को घाटा होता हुआ दिखा था 230 करोड़ का। इसके साथ ही कैप्री ग्लोबल यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे हैं, इनकी जो एनआईए है करीब 111% तक आते हुए दिखी है, इनका जो मुनाफा है वो 15% तक बढ़ता हुआ दिखा है। और इसके साथ ही मिंडा इंडस्ट्रीज़ पर आज आपको फोकस करना होगा। कल शाम को कंपनी का QIP खुला है, और ये जो फ्लो प्राइस उन्होंने तय किए है वो 2.5% के डिस्काउंट पर है, 734.84 रुपीज़ प्रति शेयर पर तय किया गया है। QIP का जो फाइनल प्राइस है उस पर 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी संभव है, तो इस पर आपको नज़र रखनी है। बिल्कुल, तो QIP खुलता हुआ मिंदा इंडस्ट्रीज और ढेरो कैश के नतीजे जहां पर आपको करना है फोकस। कुछ और नतीजों का विश्लेषण अभी बस कुछ ही देर में करेंगे वरिंदर बंसल के साथ भी रिजल्ट एक्सरे में, पर आइए तब तक कुछ खबरें हैं इनके बारे में भी जानना जरूरी है। मानसी हमारे साथ हैं तैयार, गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। रेस्टोरेंट और रिटेल से जुड़े शहरों पर आज नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद अब जो धीरे धीरे प्रतिबंध महाराष्ट्र से हटने शुरू हो रहे हैं उसके चलते यहां पर इम्पैक्ट दिख सकता है। 25 जिलों में कोरोना पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति भी दे दी गई है, प्लस BMC ने मुंबई में दुकानों को रात 10 बजे तक खुलने की अब अनुमति दी है। होटल्स रेस्टोरेंट अब तक वीकेंड पर नहीं खुल रहे थे, लेकिन अब वीकेंड को भी शाम 4 बजे तक ये खुले रह सकते हैं। मॉल थिएटर्स को फिलहाल खुलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है, तो इस पर नजर रखिए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के दाम 0.8% बढ़ाए हैं। 3 अगस्त यानी कि आज से पैसेंजर व्हीकल के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है। वेरियंट और मॉडल पर कीमत में बढ़ोतरी होगी, और इस साल तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। 31 अगस्त तक रिटेल को प्राइस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो कीमतों में बढ़त के चलते टाटा मोटर्स पर एक बार नजर रखनी चाहिए। NCC जुलाई में 1679 करोड़ के 4 नए ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। चारों ऑर्डर्स स्टेट सरकार से मिलते हुए, राज्य सरकार से मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते यहां पर आपको नजर रखनी होगी। वाटिक वाबाग कंपनी को रूस से 1230 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट सेगमेंट में पहला ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते वाटिक वाबाग पर भी नजर रखनी होगी। तो NCC और वाटिक वाबाग ऑर्डर्स के चलते फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो ऑर्डर विन के चलते इन दोनों मिड कैप इंफ्रा कंपनीज पर आपको रखनी है नजर। आई कुछ फाइनल खबरें और फंड एक्शन देवांशी के साथ भी, देवांशी बताएं। अदानी एंटरप्राइज, इस पर आपको नजर रखनी है। अदानी विल्मर ने IPO के लिए एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है सेबी में। मैं आपको बता दूं कि 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, और ये विल्मर इंडस्ट्रीज और साथ ही जो विल्मर ग्रुप है और अदानी ग्रुप है इसका जॉइंट वेंचर है, तो इस कंपनी पर आपको नजर रखनी है आज। और साथ ही बल्क डील्स, जहाँ पे पटेल इंजीनियरिंग में PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज साथ ही केनरा बैंक दोनों ने कुछ शेयर्स बेचे हैं। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज ने करीब 34,79,000 शेयर्स बेचे हैं, और साथ ही केनरा बैंक ने 41,54,000 शेयर्स बेचे हैं। तो ये दोनों स्टॉक, दोनों जो पटेल इंजीनियरिंग और अदानी एंटरप्राइज है, वहाँ पे आपको आज फोकस करके चलना है। बिल्कुल, और आज अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे भी आने वाले हैं, तो वो भी एक एडेड फैक्टर है जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या व्यू बन रहा है इन सभी स्टॉक्स और स्पेशली नतीजों पर, आशीष के साथ FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। सबसे पहले नतीजों के बाद HDFC लिमिटेड, यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 3,160 रुपए के लक्ष्य में। ये कह रहे हैं कि NII और कोर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से अगर आप देखें तो तिमाही काफी बढ़िया देखने को मिली। वहीं CLSA अगर आप देखें तो इन्होंने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है करीब 3,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। कल की क्लोजिंग है 2,463 रुपए के आसपास। जेफरीज भी खरीदारी किराए दे रहे हैं 3,300 रुपए के लक्ष्य के लिए। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा रख जो है
जेफरीज ही दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आउटलुक भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है, असेट क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल रही है। मैक्वायरी ने आउटलुक फॉर्म क्रेडिटिंग को बरकरार रखा है 2960 रुपए के लक्ष्य के लिए। आरबीएल बैंक यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा, सीएनएससी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 240 रुपए का लक्ष्य है, 195 के आसपास की क्लोजिंग है। ये मान लें कि प्रोविजनिंग में बढ़त के चलते जो है थोड़ा सा मुनाफे पर दबाव देखने को मिला, हालांकि एक और बात ये कह रहे हैं कि जो नियर टर्म अनसर्टेनिटी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। ब्रिटानिया यहाँ पर अच्छे नतीजे सीएनएससी की तरफ से अपग्रेड आए, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 3,850 रुपए के लक्ष्य से 3,505 की कल की क्लोजिंग है और ये कह रहे कि कंपनी जो है अब मार्जिन से ज्यादा टॉप लाइन पर फोकस कर रही है, उसके चलते नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटानिया पर देखिए एक और अपग्रेड आया जेफरीज की तरफ से, जहां पर अब रेटिंग को बढ़ाकर खरीदारी किराए दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने 3,800 से बढ़ाकर 4,150 के आसपास कर दिया है, 3,505 की कल की क्लोजिंग है और इनके मुताबिक अगर देखा जाए तो वन ईयर फॉरवर्ड पी के अनुसार 44 times पर स्टॉक मिल रहा है, वैल्यूएशन इन्हें अट्रैक्टिव नजर आ रही है। वरुण बेवरेजेस सीएलएसी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 833 रुपए के लक्ष्य से 790 के आसपास कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर काफी ज्यादा है और आगे जाकर और सुधार अर्निंग्स में देखने को मिल सकता है। सोला फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 625 रुपए के लक्ष्य लिए 535 की कल की क्लोजिंग है। इमामी पर क्रेडिट स्वीस की रिपोर्ट आई है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 860 रुपए के लक्ष्य लिए। कह रहे हैं कि ई कॉमर्स चैनल से भी ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, हेल्थ केयर कारोबार में भी अच्छी है बढ़त है और मार्जिन में भी अगर आप देखें तो करीब 1-2% की जो बढ़त देखने को मिली है अनुमान के मुताबिक, तो यहाँ पर ओवरऑल अच्छे नतीजे। पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखिए मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और अभी जो काफी नीचे का लक्ष्य है 2,300 रुपए का लक्ष्य है, 3,312 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है और कमेंट्री में भी यही कह रहे कि पासवा बिजनेस जो एक्वायर किया है वो तो अच्छा है लेकिन मौजूदा भाव के हिसाब से जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो आकर्षक नहीं है। अंत में लोधा यानी मैक्रोटेक डेवलपर यहाँ पर नजर रखिए, जेफरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 800 रुपए से बढ़ाकर 1,068 रुपए कर दिया, 925 की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि मैनेजमेंट जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है 50% सेल्स ग्रोथ अचीव करने में, जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी किराए दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है। परफेक्ट, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स जहां आज आपको एक्शन दिखने वाला है, बढ़ाएं एक्शन को आगे और आइए अब चलते हैं नतीजों पर ही फोकस करने के लिए वरिंदर रिजल्ट एक्सरे की ओर। नतीजों का विश्लेषण करने के लिए आज फाइनली लंबे समय बाद कुछ ऐसे रिजल्ट्स वरिंदर की लिस्ट में मैं देख रहा हूं जो अच्छे तो है ही, शेयर अब भी सस्ते हैं। इस बाजार में अगर सबसे मुश्किल काम कोई है तो वह सस्ते शेयर ढूंढना। बताएं वरिंदर, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ अब भी ठीक लगते हैं कि महंगे नहीं है? सर, गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। क्लियरली सर, मैं बार बार बोलूंगा कि टेक्सटाइल एक ऐसा सेगमेंट है जो इस बार ऐसा काम किया जो कभी किसी ने सोचा ना हो। हमने KPR के नंबर्स देखे, हमने वर्धमान के नंबर्स देखे, हमने वेल्सपन इंडिया के नंबर्स देखे, ये तीनों बहुत अच्छे किए थे, गोकुल दास ने उतना अच्छा नहीं किया था। बट नाहर स्पिनिंग के नंबर देखिए सर, ये पूरे के पूरे बाकी कॉटन यान स्पिनिंग वाली कंपनीज हैं, उसमें 5-6 और कंपनीज हैं और इससे भी बहुत सस्ती कंपनीज और भी हैं जो कभी बाद में बात करेंगे। बट नाहर स्पिनिंग सर, इस क्वार्टर में उसने EPS किया 28 रुपए EPS किया एक क्वार्टर में। लास्ट फुल ईयर उसका EPS था 11.5 रुपए। तो आप सोचिए 1.5 times उसने EPS कर दिया एक क्वार्टर में कंपेयर टू फुल ईयर लास्ट ईयर। क्वार्टर क्वार्टर YoY किसी तरीके से देख लीजिए सर, नंबर बहुत शानदार है। 1500 crore का इसका मार्केट कैप है। अगर ये 100 crore का सर, 100 crore का इसने क्वार्टर में प्रॉफिट किया है तो बहुत सारे एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि ये 300 crore के आसपास तो प्रॉफिट करेगा इस साल। उसके हिसाब से अभी भी सर 4-5 times पे ट्रेड करता है। अब इवन वर्धमान के जो नंबर्स आए थे सर, वो अभी भी अगर आप नंबर्स देखें और प्रोजेक्शंस देखें जो हमारी और एनालिस्ट की है, वो 7-8 times पे ट्रेड करता है। तो ये सेक्टर बहुत शानदार है। और ऑफकोर्स जो न्यूज आया आज कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है विस्कोस स्टेबल फाइबर VSF जिसको बोलते हैं आफ्टर द PTA रिमूवल इज वेरी वेरी बिग फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। दूसरा सर, ओरिएंट सीमेंट आई थिंक डिड वेरी वेल, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन बहुत अच्छे थे। आपने देखा होगा कि उसकी सेल्स थोड़ी सी कमजोर है 17% क्वार्टर एंड क्वार्टर, बट मार्जिन 27% पे 27% प्लस वर्सेस 24.5% क्वार्टर एंड क्वार्टर वर्सेस 24% YoY और 6.5 times EV/EBITDA करता है, तो महंगा स्टॉक नहीं है।
Mangalore Chemical Fertilizers, to be honest, sir, it is not the best company in the fertilizer space, but yes, it is recovering. So, आपको numbers में volatility बहुत दिखेगी अगर आप last 8-10 quarters जाएंगे. ये quarter strong था इसका in terms of margin improvement, quarter on quarter देखिए या sales improvement देखिए, तो 24 crore का profit किया versus 15 crore का quarter on quarter. तो Mangalore Chemical के अच्छे आए थे, but volatile past रहा है. But one stock if I have to pick out in terms of the very numbers, what and inexpensive valuations. It has to be textile sector and Nahar spinning yesterday. Okay, तो ये है टेक्सटाइल कंपनियों के अच्छे नतीजों का सीजन और बहुत ही शानदार नतीजे टेक्सटाइल कंपनियों के आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए. नार स्पिनिंग उसमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपके लिए है इस वक्त. आइए बढ़ते हैं आगे और अब उन रिजल्ट्स पर करते हैं फोकस जहां पर नतीजे तो अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन थोड़े महंगे नजर आ रहे हैं. बताएं वरिंदर कौन से हैं वो स्टॉक्स. सर क्लियरली इसमें वरुण बेवरेजेस के नंबर, यू नो आई थिंक दे रिपोर्टेड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स. आई नो एक्सपेक्टेशन थी कि हम इतना बड़ा रिबाउंड आएगा, बट सर जब हम बेस की बात करते हैं उस बेस पे इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स देने, आई थिंक दैट इज रिमार्केबल. सो 2500 करोड़ का सीजन आया कंपेयर टू 2250 करोड़ क्वार्टर एंड क्वार्टर और वायर वाई 1650 करोड़ था. चलो लेट्स फॉरगेट वायर वाई ऑल्सो. इवन एबिटा देखिए सर 380 करोड़ वर्सेस 380 करोड़ था लास्ट क्वार्टर और इस बार 570 करोड़ आया. ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक बट इसमें वॉल्यूम ग्रोथ 45% आई है सर इस बार वाई एंड वाई. सो यू नो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स ऑन अ हायर बेस, दैट इज व्हाई यू नो मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहा हूँ. वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और बालाजी अमाइन सर मेरे लिए स्ट्रॉन्ग इसलिए है बिकॉज बहुत सारी केमिकल कंपनीज देखी मैंने जो मैं आपसे बात करता रहता हूँ कि जहाँ पे हमने देखा क्वार्टर एंड क्वार्टर मार्जिन कमजोर हुए हैं, वॉल्यूम कमजोर हुए हैं, ग्रॉस मार्जिन कम आए हैं. बट बालाजी अमाइंस आई थिंक वो स्टैंडिंग लाइक अ रॉक. यू नो इसके मार्जिन अभी भी 32% है कंपेयर टू 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. वाई एंड वाई तो 24% ही थे. सो इवन देयर इज अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट वाई एंड वाई बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें इसमें मार्जिन डिप नहीं देखा. ऑफकोर्स महंगा स्टॉक है सर 38 टाइम्स पे वेरी वेरी रिचली वैल्यूड बट एटलीस्ट दे आर परफॉर्मिंग नॉट लाइक अदर केमिकल कंपनीज. ओके तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे लेकिन शेयर है महंगे. कमजोर नतीजों में कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज? क्लियरली सर श्री रेणुका शुगर टॉप ऑफ द लिस्ट. आई थिंक आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड जब मैंने नंबर्स देखे इसके सर. यू नो शुगर सेगमेंट में एबिट लॉस किया है विच इज यू नो जो मैं आई वॉज थिंकिंग क्या हो गया इसमें इस तरीके से. टॉप डाउन में से सर सेल्स 37% क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउन है. मेरे हिसाब से जितना मैंने नंबर्स पढ़े और जितना मैंने यू नो बातचीत करने की कोशिश की तो रिफाइनरी जो एक्सपोर्ट है आई थिंक वो इस बार इट डिडंट टेक प्लेस दिस टाइम बिकॉज लैक ऑफ वेसल्स थे कंटेनर्स थे और एक्सपोर्ट मेरे ख्याल में 160,000 मेट्रिक टन नीचे था कंपेयर टू लास्ट जून क्वार्टर. तो इसीलिए सर आपने शुगर का सेगमेंट देखा होगा वो 1050 करोड़ का जो सेल्स करता था वाई एंड वाई और 1450 करोड़ का क्वार्टर क्वार्टर करता था वो डिप हो गए 640 करोड़ हो गया. आई थिंक दैट इज अ मेजर रीजन इसलिए इतने नंबर खराब आए हैं. शुगर सेगमेंट ने इस बार एबिट लॉस किया सर विच इज यू नो हाईली अनएक्सपेक्टेड. आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस ओनली कि एक्सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेसल्स एंड कंटेनर्स. इसीलिए ग्रॉस मार्जिन सर जो 35% थे लास्ट क्वार्टर कमजोर हो गए 8.5% हो गए हैं. So it's a substantial dip in terms of what we have seen. Even distillery segment ne utna acha nahi kiya, 100 crore kamzor hua quarter quarter. So I would like to understand more, but this quarter was a washout for Renuka Sugar. Of course they announced fundraising also sir. QIP hai 1500 crore ka. Now let's see people are talking about that vessels containers ka jo availability hai wo is baar theek ho raha hai. To is quarter mein aisa kharab nahi aana chahiye. Unke paas stocks pade hain. और वो पिकअप हो जाएंगे. डिमांड है, स्टॉक्स है, सब कुछ है, बट बिकॉज वेसल्स कंटेनर्स का नहीं था वहां पे लैक थी तो इसलिए उतना कमजोर रहा ये वाला क्वार्टर. लेट्स सी कि हाउ वेदर इस क्वार्टर में भरपाई होती है कि नहीं होती है. बट वीक रिजल्ट्स फ्रॉम क्लियरली वेरी वीक रिजल्ट्स फ्रॉम रेणुका. और कैस्ट्रॉल इंडिया सर कमजोर नतीजे थे बट स्टॉक बहुत सस्ता है सर. तो आप मार्जिन देखेंगे 30% से 22% आ गए क्वार्टर एंड क्वार्टर. सेल्स 22% नीचे थी, एबिटा 50% नीचे था, बट ये 15 टाइम पे ट्रेड करता है सर. तो बहुत सस्ता स्टॉक है बट नंबर कमजोर थे. ओके तो ये हैं वो ढेर सारे रिजल्ट्स जिन पर आपको रखना है फोकस. शुक्रिया वरिंदर ये पूरा विश्लेषण हमारे साथ रखने के लिए. आइए बढ़ते हैं आगे. हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है. वीके शर्मा साहब, कुणाल जी, राकेश जी और बाकी खास हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं. किरण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आप सबका स्वागत है. सुप्रभात.
शर्मा साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। सरकारी बैंकों पर एक बार राय लेना चाहता हूँ। पीएनबी नतीजे दमदार दिख रहे हैं इस बार, और आमतौर पर सरकारी बैंकों के रिजल्ट अच्छे नजर आते हुए दिख रहे हैं। एसबीआई भी अपने रिजल्ट पेश करेगा मेरे ख्याल से, कल करने वाला है। जी हाँ, कल करेगा। सरकारी बैंकों पर क्या है राय इस वक्त आपकी? सरकारी बैंकों पर आप तिलक देखकर, मुशकल देखकर तिलक कर सकते हैं। जिसके रिजल्ट अच्छे हैं उनको बाकायदा आपको लेना है, तो उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे नज़र रहेगी, और पीएनबी के जैसे आपने नतीजे बताए वो अच्छे ही हैं। तो अपेक्षा यही है कि जितना बुरा वक्त था उनके पीछे जा चुका है, और ये वक्त आ गया है कि आपके जो राइट ऑफ तो हो चुके हैं, अब शायद राइट बैक होने का समय आ गया है, और जो भी रिकवरी होती है वो इनके बॉटम लाइन को ऐड करेगी। तो उस दृष्टि से जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो रिलेटिवली जो अच्छे रिजल्ट वाले बेटर प्लेस्ड हैं देन इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, तो ये है आपके लिए सरकारी बैंकों में जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं वहां पर अब भी आपके लिए मौके हैं खरीदारी करने के। कुछ अच्छे रिजल्ट्स का जिक्र किया जाए, और किरण जी एक कैश मार्केट का स्टॉक है वो देखिए, ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिए रिजल्ट्स के लिहाज से, हर एक पैरामीटर पर, चाहे वो आप साल दर साल देखें चाहे तिमाही दर तिमाही देखें, अच्छे नतीजे पेश किए। चार्ट पर दीजिए अपनी राय। बेसिकली पहले सीमेंट पैक तो सारे के सारे आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, और ओरिएंट सीमेंट एक काउंटर है जो कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आ रहा है। इसने दो तीन बार अनिल जी ब्रेकआउट दिया था, एक तो 110 पे, दूसरा 140 पे, और अभी 160 पे ट्रेड कर रहा है। अभी ब्रेकआउट नहीं है, पर जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है अनिल जी, बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 142-143 का रहना चाहिए, और इधर से टारगेट्स मुझे लगता है लगभग आपको 190-195 के देखने को मिलेंगे, पर इसके लिए टाइम लगेगा। तो बाय और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए स्टॉक के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। एसआईपी स्टॉक के तौर पर ओरिएंट सीमेंट हमने शामिल भी किया था, और इस स्टॉक को रिकमेंड भी किया था, वहां से बहुत ही बेहतरीन तेजी अब तक बनती हुई नजर आ रही है। ओपनिंग अप थीम फिर से एक्शन में आ रही है, उस पर भी मैं एक बार शर्मा साहब से राय लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में है उन पर राय ली जाए। बंसल जी, एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके चार्ट देखिए, 1680 करोड़ के चार नए ऑर्डर मिले अलग अलग राज्य सरकारों से, क्या स्टॉक में दम है कुछ? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, स्टॉक में देखें तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 86.65 की कल की क्लोजिंग है, 84 पे एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पर जो फ्रेश एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स बोथ लीडिंग एंड लैगिंग देखने को मिलेगा 90 रुपए के ऊपर, तो जिनके पास है वो होल्ड करें, एक छोटा स्टॉप लॉस 85 का लगा लें, और एक बार ये स्टॉक 89.5-90 के लेवल्स तोड़ेगा तब एक्शन में आएगा, तो फ्रेश खरीदारी की राय लेवल्स टूटने के बाद ही होगी। ओके, ये है आपके लिए एनसीसी पर राय। सुमित जी, एनसीसी के साथ साथ एक और स्टॉक है वाटेक वाबाग, इसके भी चार्ट देखिए, रशिया से इन्हें मिला है 1230 करोड़ रुपए का ऑर्डर, दम है कुछ स्टॉक में? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, वाटेक वाबाग के अंदर बिल्कुल दम है, स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, स्टॉक में और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस को होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। 390-392 के आसपास इसमें बाय बनता है, 400 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो 415-425 रुपए तक का मूव वाबाग के अंदर देखने को मिल सकता है, और नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 375 के पास है, तो 375 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलना है। ओके, ये है आपके लिए वाटेक वाबाग पर राय। कुणाल जी, एक एमएनसी स्टॉक जिस पर आपको राय देनी है वो है कैस्ट्रोल, नतीजे थोड़े ढीले दिख रहे हैं, उतने मजबूत है नहीं, स्टॉक गिर सकता है क्या? यदि हाँ तो अहम सपोर्ट क्या है, जिनकी तेजी की पोजीशन अगर है कोई स्टॉप लॉस रखना है, या फिर पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ न करें, एक आध क्वार्टर के रिजल्ट से डरे नहीं? अरे जी देखिए, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कैस्ट्रॉल अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाकी बाजार को काफ़ी समय से, पिछले मेरे ख्याल साल भर से कैस्ट्रॉल में कोई खास प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला है। तो अनिल जी बिल्कुल, ये जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है इसमें और थोड़े नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ हो जाएगा या स्टॉक बहुत नीचे चला जाएगा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। तो अगर अभी तक आपने पेशेंटली होल्ड किया है तो मेरी राय है कि आप इसको और कुछ वक्त दें, इसमें दोबारा से एक क्वार्टर के बाद आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। तो अगर
आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं जरूर बने रहें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था तो निकल जाने की राय। हम प्रदर्शन की बात कर रहे थे, कौन से स्टॉक से? हाँ, ओपनिंग अप थीम को लेकर। शर्मा साहब, आपको देनी है राय ओपनिंग अप थीम को लेकर, बताएं सर। अच्छा हाँ, इस बीच एक बात और है ना दीप, इसमें तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए अलग से मैच होगा ना, तीसरे नंबर के लिए, करेक्ट? वो मैच तो बाकी है ना। बिल्कुल सर, ब्रॉन्ज मेडल मैच बाकी है, तो मेडल कंटेंशन से बाहर नहीं है, बट हाँ सर, अब ऑफ कोर्स फाइनल मैच में नहीं होगा इंडिया अनफॉर्चुनेटली, बट मेडल अभी भी पॉसिबल है सर। हाँ चलिए, पदक की उम्मीदें बरकरार है। अच्छा बताएं सर, ये अब धीमे धीमे फिर से अनलॉक वाली खबरें आ रही है, कल महाराष्ट्र की तरफ से भी आए हैं कुछ और रिलैक्सेशन को, कहीं कुछ आपको पसंद है कोई सेक्टर्स, कोई स्टॉक्स जहां पर आपका व्यू है? देखिए मुझे सेक्टर पसंद है, क्योंकि हमारा उसके अंदर कोई कवरेज नहीं है तो मैं उस पर नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो मुझे बेहद पसंद है और वो है एजुकेशन का सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर अभी जैसे जैसे स्कूल खुलेंगे तो, और अब खुलने का समय आ गया है, बहुत लंबी छुट्टी हो गई है, वर्क फ्रॉम होम उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है पढ़ने के लिए, तो अब मेरे ख्याल से जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल के जो किताबें हैं उनको जो पब्लिशर्स हैं उनके जो नोटबुक बनाने वाले हैं, और प्लस जो कोचिंग क्लासेस भी उस तरह की जो चलती हैं वो सब अच्छा कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से इनको बखूबी आप इसको ध्यान देना चाहिए, और इस सेक्टर ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जैसे जैसे ये पूरा देश खुल जाएगा तो ये सेक्टर एक लंबी छलांग लगाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इनमें से कुछ स्टॉक मेरे पास हैं लेकिन कवरेज नहीं है तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, तो आप लोग आपके टीम में अगर किसी का कोई कवरेज हो किसी भी स्टॉक का या टेक्निकल या फंडामेंटल, तो वो आप उनसे जरूर जिक्र कराएं, एक बहुत अच्छा ये सेक्टर है जो सर खुलने वाला है। ओके, और उसमें एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो सकता है जहां पर एक्शन बन सकता है, हिमांशु जी भी हमारे साथ है, हिमांशु जी जरा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के चार्ट देखिए, बताइए क्या यहाँ पर कुछ खरीदारी का मौका है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सर देखिए, लोअर लेवल से स्टॉक में एक अच्छा रिकवरी आते हुए नजर आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टॉक एक इमीडिएट हर्डल है 82-85 के जोन, उसको अप्रोच करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हालांकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है, लेकिन नियर टर्म में मुझे लगता है कि 80-85 रुपए पर स्टॉक में मल्टीपल हर्डल्स हैं, तो 75 रुपए के आसपास का अनिल जी क्लोज है, 10 से 12 रुपए तक का अपसाइड के लिए यहाँ पर तेजी का प्ले क्लियर किया जा सकता है, और 73 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, 73 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाए। एक और स्टॉक इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वो है मुकुंद लिमिटेड, जहां पर खबरें आ रही कि 9 अगस्त को प्रमोटर्स यहां पर कुछ और खरीदारी करेंगे, 16.5% के आसपास 2,34,00,000 शेयर खरीदे जाएंगे मुकुंद लिमिटेड। सुमित जी, इसके चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय मुकुंद लिमिटेड। अनिल जी, मुकुंद लिमिटेड के अंदर मूवमेंट ऊपर का देखने को मिल रहा है, पिछले 6 महीने से स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव ही दिखाना चाहिए, 150 के आसपास कल का क्लोजिंग है, मेरे को लग रहा है स्टॉक यहां से 170 से 175 तक का मूव दिखा सकता है, नीचे में 138-140 के आसपास का सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट को मान के चले और पोजिशंस बनाएं, एग्जिस्टिंग पोजिशंस होल्ड करें, 170 से 175 के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। ओके, लेकिन हमारी रिसर्च टीम बता रही कि ये इंटर प्रोमोटर ट्रांसफर है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्रोमोटर से दूसरे प्रोमोटर की तरफ जाने की तैयारी इस वक्त होती दिख रही है। आइए टाटा मोटर्स और बाकी ऑटो स्टॉक्स पर एक बार शर्मा साहब से राय ली जाए। शर्मा साहब, टाटा मोटर्स के लिए तो खबरें आ रही कि ये अपने पैसेंजर व्हीकल्स के दाम आज से बढ़ा रहे हैं 0.8%। आज नितिन गडकरी साहब की एक अहम बैठक है ऑटो कंपनियों के साथ में, उस पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाकी सारे इंडस्ट्री के मुद्दों पर चर्चाएं भी होगी। मंथली सेल्स नंबर्स आपने देखे ही होंगे इस बार के, क्या व्यू है आपका ऑटो स्टॉक्स पर, अगर आपको कुछ पसंद है तो बताएं सर। मेरे ख्याल से ऑटो स्टॉक्स खासकर टाटा मोटर्स काफी गिर चुका है, और चिप्स की शॉर्टेज की वजह से जो इसकी बड़ी गाड़ियां हैं उनके अंदर जिस तरह का ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला था उसकी वजह से स्टॉक गिरा था। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वापस एक बार समय आ गया कि स्टॉक को आप दोबारा देखें, और अन्य जो सेक्टर कंपनियाँ हैं इस सेक्टर की वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो मैं ऑटो के प्रति और खासकर ये जो आने वाली मीटिंग है इसके प्रति आश्वस्त हूँ कि इसमें पॉजिटिव नतीजा ही निकलेगा, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव नतीजा निकलने वाला नहीं है, तो ऑटो के लिए इस वक्त बाय करना चाहिए,
और ये वो सेक्टर है जो मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके अगर जाना हो तो उसमें ये जरूर हेल्प कर सकता है बिकॉज ये पिटा हुआ है। ओके कुणाल जी, मिंडा इंडस्ट्रीज के चार्ट पर अपनी राय दीजिए। QIP खुल रहा है इनका, फ्लोर प्राइस रखिए 734.84 रुपये, राउंड फिगर में 735 रुपये मान लीजिए, ये मिंडा इंडस्ट्रीज के QIP का फ्लोर प्राइस है, थोड़ा डिस्काउंट पर आ सकता है। बताएं सर, अगर किसी को बाजार से खरीदना है तो क्या लेवल सही होगा? अनिल जी देखिए, चार्ट तो बहुत जबरदस्त है, स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस 760 रुपए के आसपास बन पड़ी है और उसके बाद अब कुछ इसमें कंसोलिडेशन होने की संभावना है। तो मेरी राय में अनिल जी, इसमें जो 700 से 760 रुपए का रीजन है, ये कंसोलिडेशन का जोन रहेगा। नीचे के लेवल्स पर मिले तभी खरीदें, और नीचे के लेवल्स जो सबसे उपयुक्त होंगे वो 720 रुपए के आसपास होंगे। तो 720 के आसपास मुझे लगता है कि मिंडा इंडस्ट्रीज में बड़ा सपोर्ट है, वहां मिलता है तो खरीदारी के बारे में सोचा जाना चाहिए। खरीदारी के बारे में थोड़ा सोचा जाए निचले स्तरों पर मिले तो। आइए अजमेरा रियल्टी, ये एक और स्टॉक है जिसके नतीजे अच्छा है, रियल एस्टेट कंपनियों के नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। हिमांशु जी, आपको चार्ट देखकर राय देनी है अपनी, बताएं सर क्या करेंगे? अनिल जी बिल्कुल खरीदेंगे, पहले भी इसको खरीदते आए हैं और अब भी खरीदेंगे। 350 रुपए का नियर टर्म टारगेट है, और अनिल जी जिस हिसाब से स्टॉक पिछले 8 से 10 दिनों की एक कंसोलिडेशन के बाद कल यहाँ पर एक रेंज से निकलता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि आज यहाँ पर और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 320 रुपए के पास अनिल जी स्टॉक का क्लोजिंग है, 312 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 350 रुपए का पहला टारगेट, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि उसके बाद 360 और 370 रुपए तक के टारगेट भी अजमेरा रियल्टी में आते हुए देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग सेटअप है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। बिल्कुल खरीदारी करके चलें, बहुत ही मजबूत सेटअप के साथ ये है कंपनी आपके लिए। दोपहर 12 बजे अजमेरा रियल्टी के टॉप मैनेजमेंट धवल अजमेरा साहब को आप सुन पाएंगे, और नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर करेंगे बातचीत। वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करूंगा एक कमजोर नतीजों को लेकर, RBL बैंक, इसके चार्ट देखिए। वैसे तो आपको चार्ट कमजोरी दिख रहे होंगे, आज बाजार भी थोड़ा सुस्ती और हल्की कमजोरी के मूड में है ही, नतीजे आए हैं कमजोर, RBL बैंक गिर सकता है क्या, यदि हाँ तो कितना, और कहाँ सपोर्ट है, क्या करना चाहिए? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। RBL बैंक ये सबसे वन ऑफ द RBL और बंधन, ये दोनों सबसे कमजोर बैंक्स में से है, और मुझे लगता है ऑलरेडी काफी कुछ गिरावट हो चुकी है। 220 से ये स्टॉक लगभग 190-192 तक आके आया है, तो 200 के आसपास के अगर बाउंस मिलता है तो मुझे बेचने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऑन द डाउन साइड 170 के लेवल्स मुझे दिखाई देते हैं, तो 170-200 ये स्टॉक की रेंज होगी, और बिल्कुल वीक दिखता है, आपको नीचे के लेवल्स मिलने चाहिए, अनलेस बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, बेचने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गैप से ऊपर खुले तो बेचना चाहिए, ये राय है RBL बैंक पर, लेकिन गैप है कहां, गैप मिलता कहाँ है? 100 पॉइंट ऊपर दिखता है SDX Nifty तो खुलता नहीं, 100 पॉइंट नीचे दिखता है तो वहाँ खुलता नहीं। अब देखिए बात करते करते जो 50-60 पॉइंट नीचे SDX Nifty था, अब हरे निशान में लौट चुका है। तो ये है आपके लिए शुरुआत